नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। अगर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा आज जो विषय है, इस जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आप देख सकते हैं बोनट खुला हुआ है, ये है अगर गाड़ी का एक सिलेंडर काम ना करे तो क्या दिक्कत हो सकती है और कैसे पता चले और समाधान तक जाएंगे, इस पर बात करते हुए। और मेरे साथ हैं स्कोडा, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सेक्टर 6 है, स्कोडा इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे हूँ जो कि इसका सर्विस सेंटर है। तो मेरे साथ हैं धनपाल सिंह जी, और धनपाल सिंह जी से ही पूछेंगे इन सारे विषयों पर सवाल और जानेंगे सिलेंडर किस तरह से काम करता है। सबसे पहले सर सवाल करता हूँ, सिलेंडर काम कैसे करता है एक इंजन की बात करें तो? अगर सिलेंडर जैसे कि कोई सी भी गाड़ी हो तो इंजन चलाने के लिए सिलेंडर होता है। और सिलेंडर वो जो किसी किसी में W12 भी होता है, इनलाइन इंजन होता है, सीरीज इंजन होता है, मतलब इंजन इनलाइन होते हैं, चार इंजन साइज में होंगे, या हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल होंगे, वी टाइप में होगा, डब्ल्यू टाइप में होंगे, वो सारे इंजन होते हैं। तो ये इंजन की होगी इंजन की क्लासिफिकेशन हो जाती है आपकी, कि इंजन किस टाइप का है, वो आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डब्ल्यू टाइप है, वी टाइप है। तो जैसे इसकी बात करते हैं, जैसे अपने पास ऑक्टाविया खड़ी है और इसमें ये रिपेयर हो रहा है, तो अगर इसकी बात करें इसमें कैसा इंजन लगा है? जो इसमें सीरीज इंजन लगा हुआ है, 4 सिलेंडर साइड से लगे हुए, सीधे लगे हुए हैं इसके अंदर, 4 सिलेंडर इंजन है ये। अच्छा, अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, ये 4 सिलेंडर इंजन है। अब मेरा सब्जेक्ट ये है कि अगर गाड़ी का एक सिलेंडर बंद हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, कैसे पता चले अगर एक सिलेंडर बंद हो गया है और समाधान तक जाएंगे। तो सबसे पहले अगर एक सिलेंडर बंद हो जाए तो दिक्कत क्या होगी? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, और पहली बात तो यह है कि एक सिलेंडर बंद हुआ है, तो जो बंदा ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइवर है, उसको क्या पता चलेगा, उसको पता नहीं, उसको कैसे पता चलेगा, फील क्या होगा? फील या तो इंजन जो है आपका जो ढंग से परफॉर्मेंस नहीं करेगा, पिकअप प्रॉब्लम आ सकती है, और प्लस उसकी जो MI लाइट भी, मतलब क्लस्टर मीटर का, वो शो करेगा इंडिकेशन, मालफंक्शन इंडिकेशन शो करेगा क्लस्टर मीटर के अंदर। ऊपर से पिकअप लो हो सकता है, ऊपर से क्या होगा, गाड़ी आपकी बंद होने का भी चांस है, बंद भी हो सकती है गाड़ी। और जो है, अगर सिलेंडर, आपने कहा कि जो सिलेंडर बंद कब होगा, किसी भी सिलेंडर को अगर आप सिंपल एक बाइक का इंजन ले लीजिए, तो वो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, उसके अंदर सिलेंडर में काम करने के लिए क्या चाहिए, काम होता है, फ्यूल चाहिए होता है हमें, वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है जो उसको चलाता है, प्लस कंप्रेसर। नहीं तो अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत से डीप हो जाती है। अब यह है कि सिलेंडर बंद क्यों हुआ, बंद क्यों हुआ, या तो उसका अंदर जो फ्यूल सप्लाई है वो कट हुई है, या उसके अंदर जो स्पार्क सिस्टम है, पेट्रोल का स्पार्क सिस्टम है, या फिर कंप्रेसर उसका वीक हो गया है, रिगार्डिंग कंप्रेसर वीक हो गया, तो उस कंडीशन में एक सिलेंडर या मैनी सिलेंडर वो आपके बंद हो सकते हैं। वो जैसे बंद होंगे, ड्राइवर को फील होगा कि हाँ कुछ मतलब अनबैलेंस हुआ है गाड़ी के अंदर, हो सकता है गाड़ी बंद हो जाए। अगर कुछ इम्पैक्ट एकदम से ज़्यादा हुआ है, वैसे मोस्टली बहुत कम ऐसा होता है कि जो गाड़ी बंद हो जाए, लेकिन गाड़ी मिस फायर शुरू हो जाती है, गाड़ी झटके लेना शुरू हो जाती है, तो ये सिम्टम है इसके अंदर। अगर इसको हम, जैसे आप कहेंगे कि अगर सिम्टम ये है, ड्राइवर पता चल गया, तो सीधी बात है कि जो ओनर होगा, ड्राइवर होगा, वो गाड़ी वर्कशॉप में लेकर आएगा। वर्कशॉप वाले क्या करेंगे, उस गाड़ी को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस मतलब जैसे कस्टमर सिम्टम बता रहा है कि गाड़ी मिस फायर हो रही है, झटके ले रही है, तो जो भी टेक्निकल बंदा होगा वो उसके दिमाग में होगा सीधा कि हाँ, फ्यूल के अंदर, मतलब एक सिलेंडर के अंदर इनलेट और आउटलेट उसमें कुछ गड़बड़ है, या तो इनलेट सही नहीं हो रहा है, या आउटलेट सही नहीं हो रहा है, फिर उसके अंदर कंप्रेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा है, या उसके अंदर जो फ्यूल है वो सही से बर्न नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ उसमें डिसाइड करेगा टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन डिसाइड करेगा, फिर टेक्नीशियन डायग्नोस की तरफ बढ़ेगा। पहले जो हमारा ऑडिस होता है, जो भी जर्मन ब्रांड है, जो हमारा स्कॉट है, जर्मन ब्रांड है, इसमें हम ऑडिस यूज़ करते हैं। ऑडिस में क्या होता है, जैसे हम जो हमने अपने ऑडिस लगाया, लैपटॉप लगाया, उसके अंदर फॉल्ट कोड हमारा जनरेट हो जाता है। फॉल्ट कोड जनरेट होगा, फॉल्ट कोड जनरेट होने के बाद उसमें हमें पता जाएगा कि सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3, सिलेंडर नंबर 4, इनमें से किस किस सिलेंडर का मिस फायर डिटेक्टर हो रहा है पेट्रोल गाड़ी में। डीजल गाड़ी है तो कंप्रेशन वीक का भी फॉल्ट कोड जनरेट करेगा, ठीक है, वो करेगा। फिर हम उसके पास जाएंगे, उसको हम देखें कि जो अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसके अंदर स्पार्क प्लग है, इग्निशन कोयल है, क्या वो अपना काम सही कर रहे हैं। वो काम अगर सही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम 1 by 1 वो चेक करेंगे। अगर उसकी वोल्टेज सप्लाई सही नहीं आ रही है तो हम उसकी वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे कि किस इग्निशन कोयल के अंदर
वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रही, जो कि वो सप्लाई स्पार्क प्लग को नहीं दे रहा है और फिर सिलेंडर के अंदर स्पार्क सही नहीं हो रहा, वो सिलेंडर जो है सही से काम नहीं कर रहा है। या अगर ये सब चीज़ ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है, तो फिर एक इशू हो सकता है कि सिलेंडर के अंदर कंप्रेसर नहीं बन पा रहा है। कंप्रेसर नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास टूल होता है VS 7063 ए करके वो टूल होता है हमारा, तो उसको हम कंप्रेसर टेस्ट करते हैं। कंप्रेसर टेस्ट करते हैं जैसे कि डीजल गाड़ी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 11 से 21 तक का कंप्रेसर टेस्ट होता है। अगर कंप्रेसर 17 से 21 का होता है, अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन दे रखा है, जो कि हर गाड़ी का अलग अलग उसके जो उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें हम चेक करते हैं। ये मैंने आपको रफरी एरिया बताया। अगर कंप्रेसर 17 से नीचे जा रहा है हर सिलेंडर के अंदर या 3 सिलेंडर में से एक में जा रहा है, तो मतलब उस सिलेंडर के अंदर कंप्रेसर वीक है, तो हम उस सिलेंडर को पकड़ेंगे। उस सिलेंडर को पकड़ने के बाद फिर हम चेक करेंगे कंप्रेसर बनता कैसे है, कंप्रेसर क्यों, कंप्रेसर क्या मतलब काउज क्या क्या, कंप्रेसर वीक क्यों हुआ। कंप्रेसर वीक या तो जो पिस्टन के अंदर जो रिंग लगी होती है, कंप्रेसर रिंग, ऑयल रिंग, ये चीज़ जो होती है उनमें कोई गैप तो नहीं आ गया, या सिलेंडर और बोर, जैसे आपको सिलेंडर हो गया उसका जो बोर होता है उसके अंदर पीछे आपका पिस्टन चलता है, अगर पिस्टन की रिंग जो होती है वो सिलेंडर के अंदर जो ऑयल होता है, कंप्रेसर होता है, एग्जॉस्ट, वो पूरा पूरा ऊपर नीचे करती है, सिलेंडर खाली करती है और सिलेंडर भरती है, भरने मतलब कंप्रेसर वीक करती है, कंप्रेसर बनाती है और एग्जॉस्ट को भी निकालने का काम करती है, जो कि इनलेट आउटलेट अपना अपना काम करते हैं, जो वाल्व लगे होते हैं। अगर सिलेंडर की रिंग वीक होगी तो कंप्रेसर कहीं ना कहीं से लीक होगा, कंप्रेसर लीक होगा तो सिलेंडर की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो अभी एक चीज़ पूछूंगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो गाड़ी के बहुत ज़्यादा नहीं जानकार हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे चलाते रहते हैं, बोलते कल दिखा लेंगे, तो क्या ऐसे में अगर कोई दिक्कत होती है तो अवॉइड करना चाहिए? मैं तो ये कहूँ कि अवॉइड तो आपकी अगर आपका अवॉइड तो इंजन चीज़ है, ये गाड़ी अवॉइड तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक बल्ब भी अगर आपका ख़राब है तो वो भी सेफ्टी रीजन है, उसको भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ए मैकेनिकल या दिस इज हमारी मतलब ये भी हमारा पार्ट है एक। और रही बात जैसे कि आप कह रहे हैं इंजन के बाद अगर आप इसको अवॉइड कर सकते नहीं कर सकते, तो मैं तो अपनी पर्सनल सलाह ही दूंगा कि उसको अवॉइड ना करें। अगर आपकी कंप्रेशन वीक अगर एक सिलेंडर में हो गया है तो उसका लोड सेकेंड सिलेंडर पर भी, अगर आपके सीरीज में जो है पिस्टन जुड़े होते हैं चार सिलेंडर चढ़ने के लिए, उसका सिलेंडर उसका फायरिंग ऑर्डर 1-4-3-2 होता है चार सिलेंडर के लिए, अगर एक का भी आपका प्रेशर लोड तो दूसरे पे वो लोड पड़ेगा, लोड डाइवर्ट होगा तो वो इंजरी और ज़्यादा हो सकती है इंजन। कम शब्दों में अगर समझना चाहूँ तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम क्योंकि अगर आपके कंप्रेशन वीक एक सिलेंडर में होगा तो मे बी 80-90% वो फिर कंप्रेशन लीक आपको दूसरे में भी जाएगा। हाँ, फिर आपका अगर कंप्रेसर वीक है तो इसका फिर बहुत सी जैसे कि आपका मेटल पार्टिकल जो भी होते हैं, जो भी पार्ट लगे होते हैं इंजन के अंदर, उसमें घिसावटी शुरू हो सकती है। अगर पिस्टन के अंदर पिले आने हो जाएगी तो वो घिसना शुरू कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, कितने परसेंट ऐसी शिकायत आती है? क्योंकि मैंने सवाल तो कर लिया वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक दो जगह मैंने घटनाएं देखी थी, लेकिन वैसे कितने परसेंट शिकायत आती है, क्योंकि आप तो इसी एरिया से जुड़े हुए हो? मेरे को ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 7 ईयर्स हो चुके हैं, और वैसे आई थिंक 7 साल के अंदर मेरे पास ऐसे केस जो आए हैं, मुझे 8-10 केस आए, क्योंकि मैं इससे पहले ऑडी में भी था, मैं वॉक्सवैगन में भी था, फोर्ड में भी था। ये प्रीमियम कारों में ज़्यादा होता है ऐसी शिकायत, जहाँ तक मैंने, क्योंकि जो मैं मेरे पास जो केसेस हैं वो प्रीमियम कारों के, क्योंकि प्रीमियम कार में क्या होता है कि कंप्रेशन हाई होता है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, इंजन परफॉर्मेंस हाई होती है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इंजन जो होते हैं उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें वो ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब कंप्रेसर वीक होगा तो आपका मारुति का भी हो सकता है, ऑडी का भी हो सकता है। तो क्या ध्यान रखें लोग, छोटा सा छोटे शब्दों में जवाब दीजिएगा। ध्यान यही रखना है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आता है, आपकी गाड़ी जर्क ले रही है, झटका ले रही है, या मिस फायर हो रही है, आपको कुछ अनबैलेंस लग रहा है चलाने में, पिकअप डाउन हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड ना करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सिलेंडर पे मैंने ज्ञान लिया कि अगर एक सिलेंडर बंद हो जाता है दिक्कत क्या होगी, और मैं साथ में बताता चलूं अगर एक सिलेंडर बंद होता है तभी गाड़ी चलती रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा एक ज्ञान का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या ऐसे कोई और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मुझसे बात करिए, मैं आप सभी का इंतज़ार कर रहा हूँ वहाँ पर। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। अपना ध्यान रखिएगा।